जो जम्बू द्वीप, अब हर द्वीप में अंदर सेक्शन होते हैं जिनको कहते हैं वर्ष ना, ये ईयर वाला वर्ष नहीं है, जगह वाला वर्ष, जैसे बोलते हैं ना भारत वर्ष है ना, ऐसे करके। तो जो जम्बू द्वीप है उसका ज्यादा वर्णन आता है डिटेल में, और बाकी जो 6 द्वीप हैं उनके वर्षों का वर्णन थोड़ा शॉर्ट में है, ठीक है। तो जम्बू द्वीप में इलावृत वर्ष, भद्राश वर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल वर्ष, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, किम पुरुष और भारत वर्ष है ना। तो इन सभी में हर वर्ष, मतलब ये जम्बू द्वीप पूरे भूमंडल है, पहले ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में एक भूमंडल है, भूमंडल में 7 द्वीप हैं, 7 द्वीप में जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के अंदर 7 वर्ष हैं, उनमें से एक वर्ष है भारत वर्ष, भारत वर्ष की, ठीक है। तो हर वर्ष में एक भगवान का एक रूप मेन होता है ना। तो और वहां पे एक उनके नेता होते हैं जो उनकी, भगवान की हमेशा प्रार्थनाएं करते रहते हैं। तो इलावृत वर्ष में भगवान शंकर जो है, भगवान शंकर शन की पूजा करते रहते हैं, ठीक है। तो कल हमने भगवान शंकर की प्रार्थनाएं सुनी थी, है ना। तो इलावृत वर्ष में भगवान शंकर उनकी पूजा करते हैं, भगवान शंकर शन की। शंकर शन कौन है? जो कृष्ण, फिर बलराम, बलराम से कौन आते? शंकर शन, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा वर्ष है हरिवर्ष, हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज किसकी पूजा करते हैं? भगवान नरसिंह देव की। फिर केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी प्रद्युम्न की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जो ये प्रार्थनाएं करते हैं, लक्ष्मी जी की प्रार्थना में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने बोली है, इसलिए मैं वो बता देता हूँ। लक्ष्मी जी कहती हैं भगवान से उनकी प्रार्थना में कि हे भगवान, सब लोग चाहते हैं कि मैं उन पर कृपा करूं। सब लोग चाहते ना लक्ष्मी जी हमारे ऊपर, कहीं कहीं आपने इधर का पता नहीं, हमारे यूपी में जाएंगे तो उधर लिखा रहता है लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, ऐसे करके लिखा रहता है कि लक्ष्मी जी हमारे ऊपर हमारी सहायता करते रहें, कृपा बनाए। तो लक्ष्मी जी यहाँ कहती हैं कि जिसने, हे भगवान, जिसने आपके चरण कमलों की शरण नहीं ली है उसके ऊपर मैं बिल्कुल कृपा नहीं करती, है ना। तो लक्ष्मी जी किसके ऊपर बिल्कुल कृपा नहीं करती? जो भगवान के चरणों की शरण नहीं लेता। इसके बाद रम्यक वर्ष में वैवस्वत मनु मत्स्य अवतार की, और हिरण्यमय वर्ष में अर्यमा कूर्म की, फिर कुरु वर्ष में भूमि देवी भगवान वराहदेव की, किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, और भारत वर्ष में नारद जी नर नारायण ऋषि की पूजा करते हैं। इस तरीके से ये है 7 द्वीप, और इसके बाद जो दूसरे हैं उसके भी अलग अलग वर्ष हैं, उसका उतना डिटेल नहीं है, है ना। इसके बाद जो है आगे वर्णन आता है कि जो गंगा माँ है उनका कैसे आविर्भाव हुआ। भगवान वामन देव ने जब दूसरे कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया तो जो ब्रह्मांड है उसमें एक छेद हो गया, उस छेद से गंगा जी गिरी भगवान के चरण धोते हुए। तो वही गंगा जी पहले ध्रुव लोक में, फिर जो सुमेरु पर्वत है उसके ऊपर ब्रह्मपुरी है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, वहाँ से गिर के 4 भागों में बट गए, ठीक है। इसके बाद जो है 14 लोक हैं ऊपर,
सात नीचे सात, है ना। इन सभी 14 लोगों का वर्णन आता है कि ऊपर बड़े बड़े ऋषि लोग, ब्रह्मा ये सब रहते हैं, ऊपर स्वर, बीच में भू, नीचे भूवर, ऐसे करके, ठीक है। सबसे नीचे आता है अनंत शेष। अभी ब्रह्मांड 14 लोक हैं, उनके नीचे सबसे नीचे है पाताल, पाताल के नीचे 28 तरह के नरक, है ना। और ये सारा सब कुछ किसके फन के ऊपर टिका है? अनंत शेष के, ठीक है। और जो 28 तरह के नरक है उसका बड़ा अच्छा वर्णन है, सुनने के इसके पहले भगवान अनंत की जो है वो अपने ब्रह्मांड, अपने एक एक हजारों उनके फन है और एक एक फन पे ब्रह्मांड टिका हुआ है, और सारे ब्रह्मांड कैसे रहते हैं उनके लिए, ऐसे लगता है जैसे उनके लिए एक राई का दाना, राई तो मस्टर्ड सीड, वो उनके सिर पर रखा, ऐसा है उनके लिए बस। और भगवान अनंत हमेशा निरंतर भगवान के, कृष्ण के नामों का गुणगान करते रहते हैं और एक भी नाम रिपीट नहीं करते। जो एक बार बोल दिया वो दोबारा नहीं आएगा, अनंत काल से चल रहा है और आज तक उन्होंने एक भी नाम रिपीट नहीं किया और कंटिन्यूअसली नाम बोल रहे। तो कितने नाम हुए भगवान के? अनंत नाम, है ना। इस तरह से अनंत देव वहाँ पे भगवान का नाम का गुणगान कर रहे हैं। और फिर जो है, जो लोग पापी होते हैं, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि उन जो जीव हैं उनको अलग अलग लोकों में कैसे भेजा जाता है, जो पापी हैं उनको कहाँ भेजते हैं? तो जो अंधकार में हैं, अज्ञान में हैं, जो पाप करते हैं उनको कहाँ भेजते हैं? नरक में, ठीक है। नरक कितने हैं वहाँ पे? 28 चैम्बर हैं, जैसे कि जेल है उसमें 28 कमरे हैं, सेल नंबर 1, 2, 3, 4 लाइक दैट, ठीक है। तो पहला है तामिश्र। तामिश्र में कौन जाता है? जो लोग अवैध संबंध रखते हैं, है ना, कि किसी दूसरे की पत्नी को कुछ कर बोलना, गलत तरीके से अप्रोच करना, या बच्चों को या धन को, किसी की पत्नी चुराना, किसी का धन चुराना, इसे ऐसे लोग कहाँ जाते हैं? तामिश्र में। वहाँ क्या होता है? उनको बहुत लंबे समय तक कुछ ना खाने को देते हैं ना पीने को देते हैं, और उनको खूब अच्छे से पिटाई करते हैं। उन लोगों के पास एक स्पेशल हंटर रहता है, कल मैंने बताया था ना, उनका एक यातना शरीर देते हैं वो। तो ऐसा नहीं है जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अब मार लो, कितना मारोगे, एक समय मर जाऊंगा, फिर थोड़ी ना कुछ होगा। तो वहां पे ऐसा नहीं है, वहां यातना शरीर ऐसा है कि अगर जैसे हाथ टूटना, कल बताया ना, तो हाथ टूट जाएगा लेकिन हाथ वहीं रहेगा और दर्द उतना ही होगा। अब किसी को सजा मिलनी थी कि इसका 10 बार हाथ तोड़ा जाए, तो 10 बार तोड़ेंगे, हाथ टूटेगा नहीं और दर्द उतना ही होगा। दर्द जो है वो 10 बार मिलेगा, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो तामिश में जाते हैं उनको कुछ खाने पीने को नहीं देते और इतने दिन तक भूखा रखते हैं, तो कई बार वो बेहोश हो जाता है ना। फिर जो दूसरे लोगों से धोखाधड़ी करते हैं, और धोखे से पहले में था कि गलत तरीके से उसकी पत्नी या धन को चुरा लिया, इसमें है जो धोखाधड़ी से करते हैं, है ना। और वो लोग अंध तामिश्र में जाते हैं। तामिश्र से और खतरनाक होता है अंध तामिश्र, है ना। यहाँ पे उसकी स्थिति ऐसे हो जाती है जैसे जड़स के बिना कोई पेड़ हो, है ना। उसको भी वही कुछ खाने को नहीं देंगे और नीचे काले उसमें फेंक देंगे, और उसको बहुत दर्द होता है वहां पे बेचारे को, है ना। तामिश का मतलब होता है अंधकार, अंध तामिश का मतलब होता है बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं दिखेगा, अंधापन, है ना।
फिर एक होता है रौरव, है ना, जो लोग दूसरे जानवरों के प्रति हिंसा करते हैं, है ना, क्यों हिंसा करते हैं, हो सकता है अपना परिवार पालने के लिए हिंसा करते हो, है ना, या अपना पेट भरने के लिए हिंसा करते हो, जैसे कि KFC में जाके खा के आना, है कि नहीं। तो वो लोग कहा जाते हैं रौरव। तो यहाँ इस रौरव नरक में एक रूरू नाम का पक्षी होता है, क्या नाम होता है पक्षी का, ये बहुत खतरनाक पक्षी होता है, ये सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है, है ना। तो ये पक्षी उसको खाता है, है ना, से चोंच से, है ना। तो वो रूरू नाम का जो पक्षी है उसको किसको, अभी उसने KFC में खाए होंगे तो रूरू पक्षी उसको खाएगा, है ना। तो रूरू से खतरनाक होता है ये है रौरव नरक, इससे खतरनाक होता है महारौरव। जो लोग अपने शरीर को पेट भरने के लिए, है ना, और अपने परिवार को पालने के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, उनको कहाँ भेजा जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे लोग कहते हैं भाई परिवार के लिए करना पड़ता है गलत काम थोड़ा बहुत, हाँ, तो उनके लिए भगवान ने व्यवस्था किया है कहाँ, महारौरव में। तो यहाँ पे ये जो रूरू पक्षी और खतरनाक वाला है, ये और खतरनाक, मतलब रौरव का बाप महारौरव ऐसे समझ लो, और बड़ा भयानक कष्ट, है ना। फिर जो जानवरों को पकाना, है ना, और अपनी जीव के लिए कि कुछ नहीं है, भूख मतलब अच्छा लगता है स्वाद में इसलिए खाना बस, बाकी मतलब नहीं, है ना। तो उनको कहाँ भेजते हैं, कुंभी पाक। कुंभी पाक में उसको गरम तेल के कढ़ाई में अच्छे से उसका ना डीप फ्राई करते हैं, ऐसे उसको पकड़ के डालते ऐसे आवाज, ऐसे आवाज आती है, ठीक है। फिर जिसने ब्राह्मण की हत्या करी है उसको कालसूत्र नामक एक नरक में भेजते हैं, और जो व्यक्ति, तो उसको बहुत सालों सालों तक वहां पे पिटाई होती है, और जो वैदिक नियमों की उल्लंघन करता है और गलत कोई रास्ता अपना ले, जैसे हमारे वेद शास्त्र में नहीं बताया उसके अगेंस्ट चले, उनके लिए 80 पत्रवन, है ना, वहाँ पे एक पेड़ होता है जिसकी पत्तियाँ तलवार के जैसे होती हैं, तो उन पत्तियों से उसको वो किया जाता है ऐसे छेदन, है ना, और उसको जो हंटर होता है ना उससे मारते हैं, खतरनाक है सब, है ना। फिर एक है शुकरमुख, इसमें क्या होता है कि जैसे गन्ने की मशीन, देखिए गन्ना जूस निकालने की मशीन, तो वैसी एक मशीन वहाँ बनाई गई है स्पेशल, और उसमें इनको डाल देते हैं, किनको, किसने, ऐसा राजा या सरकारी आदमी या राजा जिसके पास पावर होती है, जिसने अपनी पावर का गलत उपयोग करके किसी ब्राह्मण को कोई सजा दी है, है ना। फिर अगर कोई इंसान हो के भी कोई जानवरों को मारे बिना किसी भेदभाव के, ऐसे ही, है ना, तो उनको अंधकूप में भेजते हैं, वहां पे जो वहाँ पे कई तरह की चिड़ियाँ हैं, जंगली जानवर हैं, और रेप्टाइल्स, सांप, मच्छर, कई तरह के कीड़े सब उसके ऊपर एक साथ छोड़ देते हैं, तो बेचारा उनके द्वारा खाया जाता है, उसको वो लोग काटते हैं बार बार, है ना। फिर है कृमि भोजन। कृमि भोजन वाले में जो अपने घर में आए अतिथि के, जैसे घर में अतिथि आया है, गेस्ट आए हैं, उनको खिलाए बिना खाया, या घर में कोई वृद्ध हैं या बच्चे हैं उनसे छिपा के खाया,
है ना, और या भगवान को भोग लगाए बिना खाया है ना, तो वो कहते हैं कि वो व्यक्ति कौवे से भी बदतर होता है, और उसको कहाँ भेजते हैं, कृमि भोजन। तो वो कृमि भोजन में क्या होता है कि कृमि जानते हैं ना आप लोग, तो ऐसे ऐसे चलता है, देखा कभी ऐसे लार्वा, तो वो कृमि बन जाता है। और एक 100 किलो योजन की एक नदी है जिसमें वही भरे हैं, उसमें उसको छोड़ देते हैं ना, उसी कृमियों की नदी में उसको भी डाल देते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है ना। और उसको खाने को क्या देते हैं, वही कृमि है ना, कृमि उसको खाते हैं, वो कृमि को खाता है ना। तो जब तक उस नदी में ये कृमियों को खाता है, जब तक इसके पाप पूरे खत्म नहीं हो जाते है ना। सोचो उसको बर्गर दे रहे हैं, दोनों ब्रेड के बीच में कृमि भरे हुए हैं, फिर वो खा रहा है, फिर वो कृमि ऐसे दब के, फिर उसका जूस निकल के आया, हॉट बर्गर ऊपर भी नॉन वेज चलता है, ये ऊपर नहीं नीचे ठीक है। फिर अगर किसी ने एक ब्राह्मण को घर में चोरी किया है ना, तो यमदूत उसको संदंश नामक एक नरक है, जहां पे यमदूत क्या करते हैं, उसकी जो स्किन है ना, स्किन को वो एक गरम बिल्कुल लाल रेड हॉट गेंद है ना, उससे वो उसकी स्किन को ऐसे खींचते हैं है ना। एक तो चिमटा होता है लाल उनके पास है ना, तो उस बिल्कुल लाल लोहे का गरम रेड हॉट, और उससे पकड़ के उसकी स्किन को खींचते हैं है ना। तो फिर उसके पूरे शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, सबसे बचने का उपाय बताओ, शॉक कर दे, वो तो हो गया, बचने का उपाय बताओ। फिर तप्त सूर्मी में जो गलत संबंध बनाता है, जैसे शादी के बिना या अपने पत्नी या पति के बिना है ना, तो उनको तप्त सूर्मी में भेजते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले तो उनको बहुत हंटर से मारा जाता है, फिर जैसे अगर कोई स्त्री ने गलत संबंध बनाया तो उसको एक गरम लाल बिल्कुल लोहे का एक आदमी बना के दे देते हैं कि जो तुमने किया अब इसके साथ करो, और वैसे ही आदमी को औरत दे देते हैं बिल्कुल रेड हॉट है ना। तो वो कहाँ होता है, तप्त सूर्य में। फिर और भी है गंदे है ना, तो कभी कोई जो वज्रकंटक शलमाली एक नरक है, जहां पे यमदूत उसको एक रुई जैसे एक पेड़ है उस पे टांग देते हैं और उसको नीचे खींचते हैं, तो नीचे ऐसे कांटे लगे रहते हैं है ना, बिल्कुल नुकीले, उसको खींचते तो कांटे उसको घुसते हैं ना। यहाँ पे कौन जाता है, जो जानवरों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं है ना। फिर एक होती है वैतरणी नदी है ना, तो जो लोग अपनी काम अपने कर्म प्रेस्क्राइब ड्यूटीज जो है उनकी उसको नहीं करते, उन्हें वैतरणी नदी में भेजते हैं, जो धर्म के नियम तोड़ता है। अच्छे परिवार में यहाँ लिखा है कि डिस्पाइट बीइंग बॉर्न टू ए रिस्पॉन्सिबल फैमिली, परिवार में तो अच्छा जन्म हुआ था लेकिन फिर भी गड़बड़ कर रहा है, उसको कहाँ भेजते हैं, तो वैतरणी नदी ये नरक के चारों ओर है ना, और इसमें बड़े खतरनाक जानवर होते हैं, तो जानवर उसको खाते हैं ना, क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा पापी था। तो
ये शरीर को छोड़ नहीं सकता, रहता उसी में है, पर उस शरीर को खाते भी तो दर्द उतना ही होता है। तो जब ये जानवर उसको खाते हैं तो उसको याद आता है कि मैंने क्या क्या पाप किए थे। और ये नदी में है क्या? हाँ, इसमें है स्टूल, यूरिन, पस, ब्लड, बाल, नाखून, बोन्स, हड्डियां और मैरो, फ्लैश और फैट। लग रहा है वो हमारे कम मोड का कनेक्शन उधर ही बना है। तो उसमें जाता है कौन? जो अपने जो उसकी ड्यूटीज हैं वो नहीं करता है, है ना, या धार्मिक जो नियम है उनको नहीं मानता है, और अच्छे परिवार में जन्म होने के बावजूद नहीं करता है ना? फिर अगर कोई बंद करेंगे इसको, ऐसे करके बहुत सारे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे नरक हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, अब एक्चुअली पूरा अगर आप सुनेंगे ना तो वही डाउट आपको भी आ जाएगा जो परीक्षित महाराज को आया, है ना। मैं तो पूरा लेक्चर सुना था कथा में हमारे एक महाराज जी से, तो मेरे दिमाग में भी यही आया था महाराज बोलने से पहले, क्या कि यार इस 28 की लिस्ट में तो कोई नहीं बच रहा है, मतलब शाकाहारी खाने वाला भी फंस गया। अगर वो भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहा है तो वो भी फंस रहा है ना। तो अब करें तो क्या करें? तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप उपाय बताओ, जैसे आपने ये सब बताया, आप लोग कह रहे हैं उपाय बताओ। तो भाई सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की परीक्षा लेना चाहते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसका उपाय एक ही है कि ये काम ना करे जाए। परीक्षित महाराज कहते हैं ऐसा कैसे संभव है? उनको ये प्रश्न का उत्तर थोड़ा संतुष्टिदायक नहीं लगा, तो थोड़ा ऐसे उदास थे। तो कहते हैं कि महाराज अगर हमने अगर ना करें पर इच्छा तो रह जाती है ना, कितने दिन कंट्रोल करेंगे? एक महीना, दो महीना, दस महीना, कब ना, कितने दिन कंट्रोल करेंगे वहां? क्योंकि वो इच्छा तो है, और वो इच्छा किसी दिन प्रबल हो गई तो फिर हमने जितने दिन उसे कंट्रोल कर रखा है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, गलत है ना। तो हमारे एक लड़का आता था बंगाल का, वो अच्छे से जब करता था सब करता था, वेजिटेरियन हो गया था, है ना। हमारे यहाँ आता था प्रसाद, हमारे यहाँ ही प्रसाद खाता था, है ना। हमारे सेंटर में बाहर से लड़कों को हमने फैसिलिटी दी थी कि आप आके प्रसाद खा सकते हैं, है ना। तो वो लोग आके हमारे यहाँ खाते थे, दिखा आता था। अब ये एक दिन गया आपने कलकत्ता, वहाँ चल रही होगी भी पार्टी, तो बस दोस्त ने ना इसके अंदर भाव डाल दिया, क्या भाई, भाई के बर्थडे पे तू नहीं खाएगा, भाई के लिए इतना नहीं कर सकता। बस भाई तो बिल्कुल रोने लगा और दे चिकन। उसने रात को अच्छे से चिकन खाया, सुबह मेरे को फोन कर रहा है, वो प्रभु जी गड़बड़ हो गई, क्या हो गया? वो चिकन खा लिया। क्यों? बोला वो मेरा दोस्त बोला कि उसका बर्थडे है तो अगर मैं नहीं खाऊंगा तो बुरा मान जाएगा। इस तरीके से परीक्षित महाराज कहते कितने दिन आदमी कंट्रोल करेगा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ज्यादा समय तक करते रहेंगे, कंट्रोल करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक दिन वो भी चला जाएगा। परीक्षित महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन उनको ना उसमें क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा ये आंसर कुछ, यार ऐसे कैसे। तो सुखदेव गोस्वामी समझ गए कि ये असली बात जानना चाहते हैं, कौन कौन जानना चाहता है ना। तो परीक्षित महाराज की इस समस्या को समाधान करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चलो आपको हम एक कथा बता दें, है ना। तो इसके बाद बता दें अजामिल की कथा, कितने ने सुनी है? बस। तो एक अजामिल ब्राह्मण था,
और अच्छा ब्राह्मण था, परिवार से अच्छा था, ब्राह्मण परिवार का था, तो अपना मंदिर में पूजा वूजा भी करता था, मंत्र वंत्र सब जानता था और हवन वन भी करता था। एक दिन वो जंगल से यज्ञ के लिए लकड़ी लेने गया, तो वहां से लौट रहा था तो रास्ते में उसने देखा जंगल में एक वैश्या एक आदमी का संग कर रही है। तो उसने वर्णन आता है कि उसने बस थोड़ी देर के लिए देखा और उसका दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हुआ और वो आ गया, लेकिन वो चीज जो उसने देखा था उसके दिमाग में रह गई और वो अब उसको एजिटेट कर रहा था, बार बार परेशान हो रहा था। और एक दिन वो क्या किया, गया और उस वैश्या को घर में ले आया। उसकी पत्नी बेचारी सीधी सादी थी, ऐसा वर्णन आता कि इतनी भोली थी कि उसको यही नहीं समझ में आया कि मेरा पति घर क्या ना है, इतना भोला भी अच्छा नहीं, उसको नहीं समझा, इतनी सीधी सादी थी बेचारी। उसने उसको बाहर निकाल दिया घर से और वैश्या को घर के अंदर रख लिया। इसलिए जो हमारे आंखें जो देखती हैं, हमारे पांचों इंद्रियों में जो सबसे ज्यादा जो एक्टिव है वह आंख और कान है। कुछ भी दिख जाता है, आप बढ़िया गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम बढ़िया हरे कृष्ण मंत्र चला रहे हो, गाड़ी चल रही है, आपने कुछ देख लिया, हाँ क्या करें, कुछ भी दिखता है आजकल, आजकल तो और घोर कलयुग है ना। तो अब आप सोचो कि अजामिल जो इतना अच्छे ब्राह्मण परिवार का था, उसने बस एक क्षण के लिए देखा और उसका दिमाग भ्रष्ट हो गया। तो हमारे प्रभु जी कहते हैं हमें समझ में नहीं आता आजकल के लोग 3-3 घंटे की पूरी फिल्म देख के उनकी स्थिति क्या होती होगी। इसलिए जो हमारे महाराज जी हैं वो कहते हैं, जैसे प्रभुपाद ने 4 नियम बताए ना, 4 नियम कौन कौन से, अवैध संबंध नहीं बना। तो महाराज जी कहते हैं कि टीवी देखना माने चौथा नियम तोड़ना, कहते टीवी देखो चौथा नियम, जब उसे बचा क्या है ना। तो कहते हैं टीवी देखा माने चौथा नियम आप तोड़ रहे हो, वो अपने शिष्यों को बिल्कुल नहीं अलाउ करते हैं जो दीक्षा लेना चाहते हैं, बिल्कुल टीवी देखनी ही नहीं, क्या देखो टीवी में। तो अजामिल उसको वैश्या को अपने घर ले, वैश्या थी तो उसकी डिमांड भी ज्यादा थी, तो डिमांड ब्राह्मण का दक्षिणा लेके वो काम चलाता था, वो वैश्या की डिमांड कैसे पूरी करेगा। तो फिर वो तरह तरह के पाप करने लग गया और इस तरीके से जो है सारे जगह उसका नाम फेमस हो गया कि भाई ये अजामिल तो बिगड़ चुका है। तो एक बार कुछ वहां पे ब्राह्मण वैष्णव लोग आए, उन्होंने भाई हमें प्रसाद देना है, कौन अच्छा व्यक्ति है इस घर में इस गांव में जिसके हम प्रसाद दे सकते हैं। लोगों ने मजाक में कहा सबसे बढ़िया व्यक्ति इस गांव में अजामिल, उसके यहाँ जाओ सबसे शुद्ध प्रसाद वहीं मिलता है। लोग बोले अरे बहुत बढ़िया, गए तो उस समय अजामिल घर पे नहीं था, कहीं बाहर गया हुआ था है ना। तो उसकी जो पत्नी वही वैश्या थी, तो वो थोड़ी अब जो भी है, पर उसने जब गेट खोला उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करके हम आपके आए, तो ना वो वैष्णव के प्रभाव से उसको कुछ सद्बुद्धि आई। तो कहती है कि महाराज एक्चुअली में है ना आपको लोगों ने ऐसे बता दिया है, पर स्थिति ये है, उसने सब साफ साफ बता दिया, अगर आप अभी आप चाहे तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो वो लोग बोले मैं हम आपके जो ईमानदारी है इससे बहुत प्रसन्न है और हम आपको आशीर्वाद देते हैं। हाँ वो उसमें गर्भवती थी, ताकि आप हमारी एक इच्छा है कि आप अपने इस बेट ये जो बेटा होगा इसका नाम रख देना। तो वो अजामिल आया, उसने उसको बताया उसकी पत्नी ने कैसा सा हुआ। तो अजामिल भी पहले का तो याद था ही उसे, थोड़ा बहुत ब्राह्मणों की वैष्णवों की महिमा तो उसे पता ही थी।
तो उसने अपने छोटे बेटे का नाम क्या रखा, सबसे छोटे का नारायण। ऐसे करते करते एक दिन बूढ़ा हो गया, मरने के लिए तैयार था। यमदूत उसको देखे वो डर गया, तो उसका बेटा पास में खेल रहा था छोटा सा। और ये पूरे टाइम छोटे वाले को हमेशा नारायण ने क्या किया, नारायण ने क्या खाया, नारायण कब सोया, कब, नारायण 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 पूरे टाइम बोलता रहता था। तो जब यमदूतों को देखा तो उसको डर लगा, तो नारायण को बुला रहा है, किसको, बेटे को बुला रहा है ना। तो उसी समय देखता है कि चार और पर्सनैलिटीज वहां आए, सुंदर रूप, पीताम्बर वस्त्र, चार हाथ, और यमदूत इसको पकड़ के लेके जा रहे हैं। उधर से आवाज आई, रुको। तो यमदूतों के ना पहली बार उन्होंने ये शब्द सुना था, रुको। अब तक उन्होंने ये शब्द नहीं सुना, जिसको चाहे लेके जाते हैं, है ना, डॉन। तो यमदूत बोले, तुम कौन हो, सकल और सूरत और ड्रेस से तो सही लगते हो, लेकिन तुम्हें नियम नहीं पता, हमें क्यों रोक रहे हो। तो उन्होंने बताया कि इसने नारायण का नाम लिया। काफी बहस हुई उनके बीच में, यमदूतों के और विष्णु दूतों के बीच में, बहुत देर तक बहस चली। बाद में इन्होंने नहीं ले जाने दिया। अब ये सारी बहस कौन सुन रहा था, अजामिल। इसको समझ में आ गया कि मैंने अपने बेटे को नारायण बुलाया, तो इसका इतनी महिमा है तो मुझे हरिनाम करना चाहिए। तो विष्णु दूत ने उसको दोबारा चांस दिया और वो इमीडिएटली सब छोड़ के कहाँ चला गया, अपना हरिनाम को प्रॉपर करने के लिए, जब सारू कर दिया। और इधर पे ये जो यमदूत थे ये गए सीधे यमराज के पास वापस। और हर बार जब अपना जॉब कर पूरा करके आते थे तो यमराज इनके राजा हैं, कुछ प्रणाम प्रणाम भी करते थे। इस बार कोई प्रणाम नहीं, बिल्कुल झल्लाए हुए, खुन्नस खाए एकदम से गए और कहते हैं, ये बताओ कि तुम्हारे जैसे और कितने हैं, तुमसे भी बढ़कर कोई है क्या, हमने हमें तो लग सुपर बॉस भी है क्या कोई। यमराज के आज तो कुछ गड़बड़ हुआ लग रहा है, क्या हुआ, थोड़ा पानी पियो भाई। नहीं, पहले बताओ। तो उन्होंने बताया कि पता नहीं कोई तो भी विष्णु विष्णु करके आए विष्णु दूत, और बोले कि उसने नारायण नारायण बोला है इसलिए नहीं लाने दिया हमें, पहली बार ऐसा हुआ हमारे कैरियर में। तो यमराज ने उनको ज्ञान दिया। यमराज ने कहा कि जो भी व्यक्ति मरने के समय नारायण का नाम लेता है किसी भी तरीके से, हास्य में यानी कि मजाक के रूप में, या किसी को बुलाने के लिए संकेत के रूप में, या गुस्से के रूप में, अरे क्या हरे कृष्णा वाले हमेशा नाचते गाते, ऐसे भी बोल दिया, क्रिटिसाइज कर रहा है ना, अरे क्या कृष्णा कृष्णा लगा रहे, बंद करो, कृष्णा बोला ना, फंस गया। तो कैसे भी हरि नाम ले उसको कुछ नहीं करने का, है ना। कंठी माला जिसने पहनी है, वैष्णव तिलक जिसने धारण किया है, उसको कुछ नहीं करना है ना। मैं और मेरे जैसे कई लोकपाल हैं जो सब कृष्ण की शरण में रहते हैं, कृष्ण ने हमें अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हैं और हम उनकी सेवा करते हैं, और सबसे ऊपर हमारे बॉस कृष्ण है और उनका बॉस कोई नहीं है ना। तो आगे से ध्यान रखना कि जहां भी ये कंठी माला वाले दिखें दूसरी गली से निकल जाए। इस तरीके से यमदूतों को यमराज जी ने ज्ञान दिया। यहाँ पे अजामिल पूरे अच्छे से भक्ति करके हरि नाम को जप करके और भगवत धाम को गया। एक बार एक प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे किसी कॉलेज में, तो एक लड़का कहता है भाई हमारा गुरु अजामिल है। क्यों, इतनी कथा सुनाई भागवतम में, इतने महान महान वैष्णव की, तुम्हें अजामिल ही मिला एक। बोले हाँ, मजा भी किया, भगवत धाम भी किया, है कि नहीं। तो कहते हैं हाँ बात तो सही है, लेकिन अजामिल ने मजा तो किया था और बाद में नारायण बोल के भगवत धाम भी चला गया, क्यों, उसने हरे कृष्णा वालों की क्लास नहीं अटेंड करी थी ना। आपने तो अटेंड कर लिया, आपको पता भी चल गया कि हरि नाम की क्या महिमा है। अब आप फंस चुके हैं, अब सब
छपेंगे, अरे गलत है यहाँ पे। तो कहते हैं कि उसको पता नहीं था कि हरि नाम से क्या क्या हो सकता है, अनजाने में किया है ना। आपको पता है और आप फिर भी गड़बड़ कर रहे हो, तो ये क्या हुआ, ये अपराध हो गया, अभी अवहेलना हो गई। उसको नहीं पता था बेचारे को, ठीक है। तो अजामिल को तो पता नहीं था, भगवान ने हमें सिखाने के लिए अजामिल को सेकंड चांस दिया। अब वो सबको सेकंड चांस नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, है ना। तो इस तरीके से जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के नाम हम ये समझना है कि जिसने यमदूत भी उसको विष्णुदूत को बोलते हैं कि ये नारायण को थोड़ी बुला रहा था, तो अपने बेटे को बुला रहा था, तो अनजाने में उसने नारायण बोला तो उसको इतना फायदा मिला। तो जब हम पूर्ण चेतना के साथ नारायण कृष्ण राम का नाम लेंगे तो कितना ज्यादा फायदा होगा, सोचने वाली बात ही नहीं। इस तरीके से जो है अजामिल की कथा आती है।